हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्की इन्वेड्स कुड्स रीजन। तो आज के इस वीडियो में हम तीन पार्ट्स में देखते हैं कि पहला, यूएस विड्रॉ आर्मी फ्रॉम द नॉर्थ सीरिया। यूएस जो है अपनी आर्मी को नॉर्दर्न सीरिया से क्यों विड्रॉ कर रहा है, और कौन है कुर्ड्स जो कि कुर्दिस्तान एक अपना स्टेट चाहते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद में वाई टर्की इज़ इन्वेडिंग द कुर्ड्स, टर्की कुर्डिस जो लोग हैं उनके रीजन को क्यों इन्वेड कर रहा है, तो उसके बारे में हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस इज़ विड्रॉइंग इट्स आर्मी फ्रॉम सीरिया। यूएस जो है अपनी फोर्सेस को टर्किश सीरियन बॉर्डर में से हटा रहा है। तो इससे पहले पे उसके कम से कम 1000 से ज़्यादा जो बॉर्डर पे जो सैनिक थे वो यहाँ पर थे, और अब जो है वो अपनी जो आर्मी है उसको टर्किश सीरियन बॉर्डर में से हटा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कुर्डिश जो लोग हैं, जो कुर्डिश एक्चुअली उसके एलाइज हैं, और केवल वो आईएसएस के खिलाफ ही लड़ने में उसने अमेरिका की मदद नहीं करी थी, चाहे वो गल्फ वॉर हो 1991 का या इराक में जो इन्वेजन उसने किया है, इन सब जो युद्ध जो लड़े हैं अमेरिका ने उसमें कुर्डिश जो एलाइज हैं उसके सबसे ज़्यादा उन्होंने मिडिल ईस्ट में मदद करी अमेरिका की। ठीक है, तो यहाँ से फोर्सेस हटाने से जो कुर्डिश जो लोग हैं, कुर्दिस्तान जो चाहते हैं, उनको बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे टर्की जो है वो इन्वेड कर देगा इनके ऊपर। ठीक है, आगे देखेंगे कि टर्की क्यों इनके ऊपर इन्वेजन करना चाहता है। ठीक है, व्हाइट हाउस जो है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो ना ही किसी का सपोर्ट करेगा और ना ही वो इन्वॉल्व होगा किसके पीछे, जो टर्किश मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं प्लान्ड आप कह सकते हो। प्लान्ड इसलिए क्योंकि जो टर्की है उसने कुछ समय पहले ही अमेरिका को इस बारे में अवगत करा दिया था कि वो एक समय के बाद में जो कुर्डिश जो रीजन है वहाँ पर इन्वेजन ज़रूर करेगा। तो ये प्लान्ड टर्किश मिलिट्री ऑपरेशन है, और उसने अमेरिका को ये तक कह दिया कि आप या तो हमें सपोर्ट कीजिए या तो पीछे हट जाइए। तो अमेरिका ने यहाँ पर दूसरा रुख अपनाया और वो अपने फोर्सेस को पीछे खींच रहा है। ठीक है, इससे पहले अंकारा और वाशिंगटन के बीच में एक समझौता हुआ था, एक उन्होंने सेफ जोन बनाया था। ठीक है, इसमें एक पिक्चर में आपको अभी दिखाऊंगा कि वो सेफ जोन कौन सा है और वहाँ पर वो क्या चाहता है। ठीक है, तो इनके बीच में अंकारा और वाशिंगटन के बीच में एक समझौता हुआ था सेफ जोन के बारे में। ठीक है, जो कि सीरियन बॉर्डर के ऊपर बनना है। ठीक है, उसके बाद में टर्की जो है जो कुर्डिश जो YPG जो लोग हैं उनको एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में देखता है और अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। ठीक है, और देखिए सेफ जोन के बारे में आपको बता रहा था, तो यहाँ पर उसने एक डेडलाइन फिक्स करके रखी थी एंड ऑफ सितंबर की, भाई एंड ऑफ सितंबर तक आप अपने फोर्सेस वापस ले लीजिए या हमारी मदद कीजिए, उसके बाद में हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ये कहा था टर्की ने। और यहाँ पर टर्की जो है सेफ जोन जो है यहाँ पर 30 किलोमीटर का एक डीप जोन बनाना चाहता है सीरियन बॉर्डर पे, जहाँ पर जो कुर्डिश जो लोग हैं मिलिटिया जो IPG जो मिलिटिया है वहाँ पर उसकी जो बहुतायत है, तो वहाँ पर वो एक सेफ जोन बनाना चाहता है 30 किलोमीटर का। ठीक है, अब उसके बाद में टर्की अक्यूज्ड यूएस टू बी स्लो इन डिक्लेयरिंग दैट जोन। अब देखिए वो ये अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने अमेरिका को अक्यूज़ किया है कि आप विड्रॉइंग ऑफ फोर्सेस में बड़े स्लो हैं, इसलिए हम यहाँ पर खुद ही एक डेडलाइन पर अटैक करेंगे, आप पीछे हट जाइएगा। और एक ख़ास बात यह है कि जो टर्की जो है वो नाटो का अलाई भी है, तो यहाँ पर अलाई होने के बावजूद जो है टर्की अमेरिका के अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, US forces has fought alongside the side of SDF forces against the ISIS. अब देखिए यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो SDF forces है सीरियन डेमोक्रेटिक जो फ्रंट की जो forces हैं उनके साथ में अमेरिकन फोर्सेस लड़ी हैं, और साथ में अमेरिका ने इनको बैकअप किया है आईएसएस के साथ खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने में SDF फोर्सेस की अमेरिका ने हमेशा से मदद करी है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि यूएस का जो विड्रॉल है सीरियन टर्की बॉर्डर से बहुत ही घातक होने वाला है कुर्डिश लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा कुर्ड्स लोग कौन है, कुर्डिश लोग कौन है। तो ये एक प्रकार से दुनिया का बहुत बड़ा एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, और ये टर्की सीरिया इराक ईरान आर्मेनिया जो स्टेट्स हैं कंट्रीज जो है ये यहाँ पर फैले हुए हैं, और इनकी टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन के आसपास मानी जाती है। ये मिडिल ईस्ट का
चौथा लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, ठीक है, और दुनिया का ये सबसे बड़ा स्टेटलेस पीपल्स ग्रुप है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ग्रुप है लोगों का जिनके पास अपना कोई स्टेट नहीं है, 30 मिलियन पॉपुलेशन के आसपास, ठीक है। देखिए ये कहाँ से कहानी शुरू होती है, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर जो है ख़त्म होता है, तो यहाँ से ये जो लोग हैं इनको बहुत से जो स्टेट्स हैं उस समय के जो नए बने थे उन्होंने इनको वादा किया था कि हम आपको नए एक स्टेट देंगे, आप एक प्रकार से आपको पहचान प्रदान करेंगे, लेकिन बहुत से कंट्रीज आए, बहुत सी सरकारें आई और जिनका मिसयूज ही किया गया समय समय के। तो आज भी जो है कुर्ड्स लोग जो हैं ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए टर्की जो है क्यों इन्वेड कर रहा है कुर्ड्स लोगों को। देखिए कुर्ड्स जो हैं बेसिकली अगर मैं टर्की की पॉपुलेशन की बात करूँ तो 15 से 20% के आसपास जो टर्की की टोटल पॉपुलेशन में कुर्ड्स लोग आते हैं, ठीक है। 1980 में कुर्डिस्तान वर्कर्स पार्टी ने एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट लागू किया था, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे टर्की गवर्नमेंट के साथ में, और 2013 में सीज फायर हुई, बट 2015 में ये सीज फायर जो है ख़त्म कर दी गई और टर्की ने पीकेके जो वहाँ की जो इनको रिप्रेजेंट करने वाली जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी थी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, ठीक है। और सीरियन बॉर्डर जो सीरिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर टर्की जो है अपना सेफ जोन चाहता है और वो ये कहता है कि 30 किलोमीटर तक का वो सेफ जोन बनाएगा जहाँ पर वो जो सीरियन रिफ्यूजीज़ जो हैं भागकर, मतलब सीरिया में जब युद्ध चला था आईएसएस के ख़िलाफ़ में, तो बहुत से जो रिफ्यूजीज़ जो हैं टर्की की तरफ आ गए थे और टर्की चाहता है कि उन रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर सेटल करना चाहता है। देखिए ये इस मैप में आपको मैं बताता हूँ कि वो सेफ जोन कहाँ पर है। देखिए टर्की का ये सदर्न बॉर्डर है, ठीक है, और दिस इज सीरिया और ये रहा इराक, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये ईरान का क्षेत्र है और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है आर्मेनिया, ठीक है। तो सीरिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है यहाँ पर, ये जो आप रेड रंग का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये टर्किश फोर्सेस के द्वारा यहाँ पर आपका बैक्ड है, ठीक है, टर्किश बैक्ड सीरियन रिबल्स इसको कवर करते हैं, साथ में यहाँ पर टर्किश मिलिट्री भी इसको कवर करती है, ठीक है। और ये सीरियन रिबल्स का क्षेत्र है जो ऑरेंज रंग का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसकी कैपिटल इदलिप है, ठीक है, मतलब ये वो फोर्सेस हैं जो सीरिया के खिलाफ लड़ते हैं। और ये जो ब्लू रंग का जो क्षेत्र है ये सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं वाइट रंग का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड पीपल जो हैं यहाँ पर ये रह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये जो हरे रंग का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है कुर्डिश फोर्सेस का रीजन, ये वाला रीजन है जहाँ पर कुर्डिश फोर्सेस इसको कैप्चर करती हैं, मतलब यहाँ पर गवर्न करती हैं, ठीक है। तो जो टर्की की जो फोर्सेस हैं, टर्की ये चाहता है कि ये जो आप स्ट्राइप्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी स्ट्राइप्स हैं यहाँ तक, इन स्ट्राइप्स में वो सेफ जोन चाहता है। तो ये वो सेफ जोन का क्षेत्र है जो टर्की चाहता है और ये जो सेफ जोन जो है कम से कम 30 किलोमीटर तक का ये चाहते हैं, मतलब ये एक ऐसा सेफ जोन चाहते हैं जहां पर वो अपने खुद का यहां पर वर्चस्व बनाए रखें ताकि ये जो कुर्डिश फोर्सेस है इनको कैप्चर किया जा सके। और ये संभावना है कि ये 30 किलोमीटर के क्षेत्र को आगे 400 किलोमीटर तक ये कवर करना चाहेंगे ताकि जो कुर्डिश जो फोर्सेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे हट सके, क्योंकि टर्की जो है कुर्डिश फोर्सेस को एक प्रकार से मिलिटेंट ग्रुप मानता है और अपने वर्चस्व के लिए खतरा मानता है। और 15 से 20% तक की जो खुद की टर्की की जो पॉपुलेशन है वो कुर्डिश में आती है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो इराक जो है उसने 2015 में यहाँ पर कुर्डिस्तान रीजनल गवर्नमेंट तक डेवलप किया था ताकि जो कुर्डिश जो लोग हैं उनको एक सम्मानित जीवन जीने का मौका इराक में मिल सके, जिसकी कैपिटल उन्होंने रखी थी इरबिल। तो यहाँ पर टर्की ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है और अमेरिकन फोर्सेस के हटने से ये जो कुर्डिश जो फोर्सेस हैं इनको और बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में अमेरिकन फोर्सेस 1000 से ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर थी अमेरिका की, और टर्की और अमेरिकन फोर्सेस कुर्डिस्तान फोर्सेस के साथ में मिलकर यहाँ पे पेट्रोलिंग साथ में करते थे। अमेरिकन फोर्सेस के हटने से कुर्डिश फोर्सेस थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी और टर्की जो है एक प्रकार से उसका अपर हैंड है कुर्डिश फोर्सेस के खिलाफ।